यह बात तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव में गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में मैं अपने दादा दादी के साथ ही सोता था। गांव में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और वो मुझे भी उठा देती थी, इसलिए मेरी रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी। मैं सुबह उठकर रोजाना व्यायाम करता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, जब मैं बहुत थका हुआ था तो मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी आंख खुली। आज मैं काफी जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि अब जब उठ ही गए हैं तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, पर पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर ले ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी और पढ़ाई में मन भी ज्यादा लगेगा। तो मैं अपनी छत पे चला गया और इधर उधर टहलने लगा। उस समय ठंड बहुत थी और कोहरा भी था, दूर दूर तक घोर सन्नाटा था। छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी या यूं कहे कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वह साफ नहीं दिख रहा था। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी पर ही था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही जग जाते हैं, इसलिए शायद यह भी मेरी ही तरह जल्दी जग गया होगा और अपनी छत पर टहल रहा होगा। तो मैं भी व्यायाम करने लगा। व्यायाम करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी या यूं कहे कि वो साया जैसे पहले था, वैसे ही अब भी बस मेरी ही तरफ मुंह किए खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सोचा चलो उसे आवाज लगाई जाए। मैंने कहा कैसे हो भाई, पर उधर से कोई आवाज आना तो दूर की बात, वो आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मैं अपनी एक्सरसाइज करने लगा। तभी हवा में अचानक से ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए, तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा मैंने देखा कि उस आदमी का कद अचानक से बढ़ने लगा है। उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर जितना बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर जैसे जम ही गए थे। उस समय मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों, अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोल के देखा पर वहां कोई भी नहीं था। मैं तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़ कर सो गया। सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं। तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में यह माता रानी का रक्षा कवच था। तब मुझे याद आया कि यह तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने ही उस दिन मेरी जान बचाई। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।